आई एम सुजीता भास्कर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे मेजर ग्रासलैंड। ठीक, हम वर्ल्ड मैप में क्या देखेंगे, मेजर ग्रासलैंड देखेंगे, जो दो पार्ट में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। हमने क्या ये डिवाइड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको डॉटेड से हमने शो किया है, और टेम्परेट ग्रासलैंड जिसको लाइनिंग करके हमने ग्रीन कलर से शो किया है। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, पूरा मैप नहीं बनाया है, क्योंकि अगर मैप बनाते तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती, जिससे आपको समझ नहीं आता। तो मेरा मेन टारगेट क्या था कि आपको समझ आए और ये दिमाग में फिट रहे आपको, तो इस तरह से आपके दिमाग में हमेशा ही याद रहेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया। ये प्रेरीज कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है, और नॉर्थ अमेरिका ग्रीन कलर से लाइनिंग है। इसका मतलब क्या है कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे है। ठीक, प्रेरीज यहाँ का टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, प्रेरीज। और फिर नीचे आए तो ये हो गया हमारा क्या, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की अपर वाले पार्ट में देखें तो यहाँ पे क्या है, लानोस। लानोस में हमने क्या किया, डॉटेड से शो किया, यानी ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है हमारा। और नीचे अगर लोअर पार्ट में आए तो हो गया हमारा क्या, कंपोज। कंपोज में कैसा है, डॉटेड है ये भी, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक, और यहाँ पे पंपाज है। पंपाज में क्या है, ग्रीन कलर से शो किया गया, यानी ये टेम्परेट ग्रासलैंड है हमारा। ये हो गया इस साइड आए तो ये हो गया हमारा क्या, अफ्रीका। अफ्रीका में आप देख सकते हैं ये पार्ट जो हमने बनाया है यहाँ पे शो किया है, इसके मैप में ऐसे बना था लेकिन मैंने यहाँ पे मैप नहीं बनाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, समाना, जो डॉटेड से शो किया है। डॉटेड मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे डॉटेड शो किया गया है, समाना। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ग्रीन यानी टेम्परेट रीजन हमारा, ये वेल्ड हो गया। और यहाँ पहले आ जाते हैं क्या, हमारा यूरोप प्लस एशिया क्या होता है, यूरेशिया। तो यूरेशिया हमारे, यूरेशिया में ये पार्ट मिलके टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ पे यूरोप, ये इधर का पार्ट जो हमने आपको ऐसे शो किया, ये यूरोप का हो गया और ये एशिया का हो गया। ठीक, तो ये दोनों पार्ट मिला के जो ग्रासलैंड बनाया गया है, टेम्परेट ग्रासलैंड, ये स्टेपीज में है। ठीक, स्टेपीज इसका नेम है। ठीक, किसका, टेम्परेट ग्रासलैंड का, जो यूरोप और एशिया के पार्ट को मिलकर है, जिसको यूरेशिया भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में ये है क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड शो किया गया है, हालांकि ये मेजर ग्रासलैंड में नहीं आता, इस वजह से यहाँ पे नेमिंग हमने नहीं की है। तो ये क्या हो गया हमारा इंडिया में, लेकिन ये आप जानते रहिए कि यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है हमारे इंडिया में। और नीचे अगर आए तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन लिखा है हमने, ये डाउन है। ठीक, ये डाउन वाला पार्ट, यानी कि डाउन इसका नेम ही है, टेम्परेट ग्रासलैंड डाउन पाया जाता है। डाउन रीजन में ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड हमारा पाया जाता है। अपर पार्ट में आप देखें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन इसकी नेमिंग नहीं थी, क्योंकि ये भी मेजर ग्रासलैंड में नहीं आता। ठीक, अंटार्कटिका में तो आप जानती है क्या, यहाँ पे केवल स्नो है, आइसलैंड यानी कि केवल बर्फ ही बर्फ है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी ग्रासलैंड नहीं पाया जाता। तो हम आपको फिर से एक बार समराइज कर देते हैं चीजों को। नॉर्थ अमेरिका में हमारा प्रेरीज हो गया, जो कि क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और यहाँ पे पहले हम टेम्परेट देख लेते हैं। टेम्परेट हमारा प्रेरीज हो गया, जो नॉर्थ अमेरिका में है। फिर पंपास हो गया, जो कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है, टेम्परेट ग्रासलैंड। और आप देख सकते हैं स्टेपीज, जो कहाँ पे, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया में पाया जाता है। स्टेपीज हो गया क्या, टेम्परेट ग्रासलैंड। और यहाँ पे वेल्ड आप देख सकते हैं, ये भी हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया, जो अफ्रीका में है। और यहाँ पे डाउन आप देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक, और अगर आए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आप देख सकते हैं, लानोस हो गया यहाँ पे साउथ अमेरिका, कंपोज हो गया कहाँ पे, साउथ अमेरिका। ठीक, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और यहाँ पे अफ्रीका में आप देख सकते हैं सवाना, ये भी क्या है हमारा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और सम पार्ट्स ऑफ मतलब इंडिया के कुछ पार्ट में और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन वो मेजर नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे नेमिंग आप नहीं देख रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी कुछ मेजर ग्रासलैंड हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के लेवल पे। इसके आगे हम अभी थ्योरी में भी चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो देख सकते हैं आगे हमारी थ्योरी, इसको एक बार हम पहले रेड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक, ग्रासलैंड आर वास्ट पीस ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रास, short bushes and few scattered trees. The grasslands are divided into tropical grasslands and temperate grasslands. Tropical grasslands are found in South America, Central Africa, South Asia and Northern Australia. The other name of these grasslands is savanna.
also known as Llanos in Venezuela and as Campos in Brazil. Temperate grasslands are found in temperate region in Asia and Europe. They are known as steppes, prairies in North America, pampas in South America, downs in Australia and belt in Africa. ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं? Grassland are vast piece of grass land. Grassland क्या है? एक vast piece है, यानी कि बहुत बड़ा भाग है किसका? Land का. ठीक, जो covered है किससे? Grass से, जो covered है. ठीक, मतलब कि ग्रासलैंड हमारा जो लैंड है उसका बहुत बड़ा एरिया है जो ग्रास से कवर्ड है. ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? शॉर्ट बुशेस एंड स्कैटर्ड फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज. ना केवल ग्रास से बल्कि शॉर्ट बुशेस यानी छोटी छोटी झाड़ियों और कुछ बिखरे ट्रीज यानी कुछ बिखरे पेड़ों से. स्कैटर्ड ट्रीज यानी बिखरे पेड़ों से. द ग्रासलैंड आर डिवाइडेड इंटू टू इंटू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड. हमारा जो ग्रासलैंड है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड में डिवाइड है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. जो हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो कहाँ पाया जा रहा है? साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है, सेंट्रल अफ्रीका में पाया जा रहा है और साउथ एशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जा रहा है. ठीक, द अदर नेम ऑफ दिस ग्रासलैंड इज सवाना. इसका अदर नेम क्या है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का? सवाना. ठीक, जो हमने यहाँ पे लिखा है सवाना या सवन्ना, बहुत लोग पढ़ते हैं तो आपकी मर्जी, सवाना पढ़े या सवन्ना पढ़े. दे आर आल्सो नोन एज लानोस इन वेनेजुएला. वेनेजुएला में हम इसे क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं. इसी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ही हम वेनेजुएला में लानोस कहते हैं एंड कंपोस इन ब्राजील. और ब्राजील में इसी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं? कंपोस कहते हैं. आगे आते हैं तो हमारा आता है टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन में ये पाया जाता है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड इन एशिया एंड यूरोप. हाँ, एशिया एंड यूरोप में दे आर नोन एज स्टेपीज. जो हमने आपको बताया था कि एशिया और यूरोप में इसको हम क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं. किसको? टेम्परेट ग्रासलैंड को. प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में हम इसे क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं. और पंपास हम कहाँ पे कहते हैं? साउथ अमेरिका में कहते हैं. ठीक, और डांस इन ऑस्ट्रेलिया हमने देखा ही था. एंड बेल्ट इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका हम इसे क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका में हम इसे बेल्ट कहते हैं. किसको? टेम्परेट ग्रासलैंड को. ठीक, तो ये हमारी रही कुछ थ्योरी. तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.